वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना, आज के वीडियो में मैं सबके साथ शेयर करने वाली हूँ डेली वेयर ऑफिस वेयर साड़ियाँ। और इस साड़ियों को आप थोड़ा सा जूलियन मेकअप से ट्विस्ट करके छोटी मोटी पार्टी के लिए या फिर फेस्टिवल पे भी पहन सकते हैं। तो ये सारी साड़ियाँ होने वाली स्नैपडील से। स्नैपडील इज अ ग्रेट क्वालिटी न्यू ट्रेंडेड डिज़ाइन, ट्रस्ट वर्दी एंड बजट फ्रेंडली। आपको यहाँ कम बजट के साथ साड़ियों का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको नो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू मिलेगी। आप कोई भी एक भी चीज़ परचेज करते हैं, एक भी साड़ी परचेज करते हैं 200-300 की, तो भी आपको कोई शिपिंग चार्ज नहीं देना होगा। आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी एंड 7 डेज इटी रिटर्न एंड क्विक रिफंड पॉलिसी भी है। तो आप बिना किसी झंझट के बहुत आराम से शॉपिंग कर सकते हैं साड़ियों के। और साड़ियों के बहुत सारे कलेक्शन हैं। तो जितनी भी साड़ियाँ आज मैं यहाँ दिखाने वाली हूँ, सबका बाय लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर कुछ भी पसंद आता है तो आप लिंक के थ्रू जाके ले सकते हैं। स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरा कूपन कोड जो कि है YouTube। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपके फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट साड़ी है ये ब्लू कलर की जो कि जॉर्जेट की साड़ी है। तो पूरी साड़ी इस तरह से है, इसमें बॉर्डर टाइप दे रखा है जो कि है लाइट ब्राउन कलर का। तो दोनों साइड ही है इस तरह से। और ये पूरी साड़ी ऐसी है, इसमें कोई भी आंचल वगैरह नहीं है। पूरी साड़ी एक ही डिज़ाइन में है और साड़ी बहुत, साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये बॉडी को बहुत अच्छे से हग कर लेती है, तो बिल्कुल फूली वगैरह नहीं रहेगी। डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छी साड़ी है। आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में स्टाइल करके छोटी मोटी पार्टी के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। और बहुत ही कंफर्टेबल साड़ी है। तो पर्सनली मुझे ये साड़ी भी काफ़ी पसंद आई। और इसके साथ ये है इसका ब्लाउज पीस, तो इस तरह का ब्लाउज पीस दे रखा है। तो सारी साड़ियों के साथ ब्लाउज पीस, ऐसा नहीं है कि साड़ियाँ सस्ती हैं तो ब्लाउज नहीं दे रखा है। तो सब में ब्लाउज पीस अलग से आया है इस तरह से। तो ये है इसका ब्लाउज पीस और ये है इसकी पूरी साड़ी। तो ये फर्स्ट साड़ी है जो कि ब्लू एंड ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही मुलायम। तो यहाँ मेरे पास मोस्टली जॉर्जेट की साड़ियाँ हैं। तो क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न में स्टार्ट हो गया है तो जॉर्जेट की साड़ियाँ काफ़ी कम्फर्टेबल होती हैं। तो नेक्स्ट साड़ी है ये पिंक फ्लोरल साड़ी जो कि ये ग्रे कलर का इसका बेस है। ये पिंक फ्लावर्स बने हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये साड़ी कुछ इस तरह से है। पूरी साड़ी पहले दिखा देती हूँ। ये जॉर्जेट की साड़ी है और पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था। तो बीच में इस तरह से कुछ बना है सबके साइड। तो ये बीच में ये डार्क पिंक कलर का फ्लोरल प्रिंट है और साइड में लाइट है। तो ये पूरी साड़ी इस तरह से है और ये काफ़ी सुंदर लग रही साड़ी। और कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है, फ्लोरल प्रिंट काफ़ी ट्रेंडी भी है। तो ये साड़ी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही कंफर्टेबल है। सारी साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है, बॉडी को बहुत अच्छे से हग कर लेती है। तो ये साड़ी भी पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। तो ये पूरी साड़ी है और साड़ी के साथ साड़ी का जो ब्लाउज पीस है ये पिंक कलर का ब्लाउज है। इस तरह का ये ब्लाउज है और पूरा पिंक का है इस ब्लाउज है। तो ज़रूरी नहीं आप इस ब्लाउज को स्टिच करवाएं, आपके पास रेडीमेड ब्लाउज है तो उसके साथ भी पहन सकते हैं या किसी भी और कलर के ब्लाउज के साथ भी पहन सकते हैं। मैंने ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप के साथ इस साड़ी को वेयर किया है तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। तो आपके पास जो भी आप उसके साथ वेयर कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको भी स्टिच करवा सकती हैं। तो ये इस तरह का इसका ब्लाउज पीस है जो कि पिंक कलर का है। तो ये भी साड़ी पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई और पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। तो नेक्स्ट ये ग्रीन कलर की जॉर्जेट की साड़ी है। तो ये भी जॉर्जेट की साड़ी है और बहुत ही अच्छी साड़ी है। इसमें इस तरह से बीच में ब्लू कलर बने हैं और डॉट डॉट है, पिंक और ग्रीन का डॉट डॉट बना हुआ है। तो इस तरह का ये प्रिंट है और पूरी साड़ी ही ऐसी है, इसमें कोई भी आँचल नहीं है। पूरी साड़ी ऐसी ही है, एक ही जैसी है पूरी साड़ी। और साड़ी का जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम फैब्रिक है। ये बॉडी को बहुत अच्छे से चिपक के बैठती है तो अच्छा लगता है, बॉडी का शेप पता चलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है इसको पहनने में। तो आप इसे डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस वेयर के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। और ये साड़ी भी काफ़ी अच्छी है। इसका जो ब्लाउज पीस है ये ब्लू कलर का ब्लाउज पीस है। इसका बेस ब्लू है और इस पर ये ग्रीन येलो एंड पिंक का डॉट डॉट दे रखा है। तो इस तरह के इसका ब्लाउज पीस है। तो इसको आप स्टिच भी करा सकते हैं या किसी और भी
ब्लू ब्लाउज के साथ इसे वेयर कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो मेरे पास इससे थोड़ा मिलता जुलता ब्लू ब्लाउज था तो मैंने उसके साथ वेयर करके दिखाया है। तो अगर आप इस ब्लाउज को स्टिच कराएंगे तो भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। प्राइस वाइज सारी साड़ियाँ बहुत ही अच्छी हैं, इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी की साड़ी मिल रही तो आप डेफिनेटली जाके बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट साड़ी है जो कि लाइट येलो कलर की जॉर्जेट की साड़ी है। तो ये पूरी साड़ी इसी तरह है, इसमें कोई भी आंचल वगैरह नहीं दे रखा है, तो पूरी साड़ी ऐसी ही है। तो छोटे छोटे इस तरह का प्रिंट बना हुआ है, मैं जूम से दिखा देती हूँ, इस तरह के प्रिंट है। तो पूरी साड़ी इसी तरह की है और इसका जो कलर है वो लाइट येलो कलर है। तो इसमें आपको भी कई कलर मिल जाएंगे, तो सारी साड़ियों में कलर ऑप्शन बहुत सारा अवेलेबल है। तो आप कोई भी कलर पिक करना चाहते हो तो आप पिक कर सकते हैं। मैंने ये लाइट येलो कलर की साड़ी पिक की है। साड़ी भी काफ़ी कंफर्टेबल है और पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आता है। इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में वेयर किया है, बेल्ट के साथ स्टाइल किया है एंड ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस साड़ी को वेयर कर सकती हैं, इसे डेली वेयर या ऑफिस वेयर के लिए बहुत ईजिली कैरी कर सकती हैं। और इस साड़ी के साथ जो ब्लाउज पीस है वो इस तरह का है, तो ये थोड़ा सा पिंक कलर में है। इसका वेस्ट जो है वो लाइट येलो कलर का है और जो प्रिंट हो रखा है वो पिंक कलर के छोटे छोटे बूटे बने हैं। तो मैं पास से दिखा देती हूँ। तो ये ब्लाउज पीस है इसका, तो ये साड़ी है और ये इसका ब्लाउज है। तो इस साड़ी को आप इस ब्लाउज के साथ भी कैरी कर सकती हैं या फिर डिफरेंट ब्लाउज के साथ भी कैरी करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ वेयर किया है, आप ब्लैक ब्लाउज के साथ वेयर कर सकती हैं, वाइन कलर के ब्लाउज के साथ वेयर कर सकती हैं, रेड कलर के ब्लाउज के साथ, पिंक कलर के ब्लाउज के साथ, तो किसी भी कलर के ब्लाउज के साथ इसे वेयर कर सकती हैं। ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा और ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, बहुत ही सुंदर साड़ी है। इसमें आप चाहें तो कोई और भी कलर पिक कर सकती हैं। तो नेक्स्ट ये ब्लैक कलर की जॉर्जेट की साड़ी है, जो कि मैंने अभी पहले ग्रीन कलर की साड़ी दिखाई थी उसी का कलर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो मैंने दो कलर पिक किया था, एक ग्रीन कलर एक ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर की साड़ी इस तरह की, पूरी साड़ी ऐसी है, पूरी साड़ी ही एक तरह की है, इसमें कोई भी आंचल वगैरह नहीं दे रखा है। तो ये भी जॉर्जेट की साड़ी है, तो मोस्टली मेरे पास यहाँ जॉर्जेट की साड़ियाँ हैं और सारी साड़ियाँ ही बहुत ही कम्फर्टेबल है। आप इसे डेली वेयर ऑफिस वेयर के लिए ले सकती हैं और ब्लैक कलर तो सब पे बहुत अच्छे से सूट करता है, बहुत अच्छा लगता है ब्लैक कलर। पर्सनली मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। इस साड़ी को मैंने रेड वेलवेट ब्लाउज के साथ वेयर किया है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो ब्लैक कलर के ब्लाउज के साथ वेयर कर सकते हैं, पिंक कलर के ब्लाउज के साथ वेयर कर सकती हैं, रेड कलर के ब्लाउज के साथ वेयर कर सकती हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ब्लाउज के लिए। तो ये साड़ी पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसका जो ब्लाउज है ये ब्लाउज पीस इस तरह से है, इसमें भी डॉट डॉट बना रखा है, ये कैसे मैं पास से दिखा देती हूँ। तो ये पूरा इसका ब्लाउज पीस है, आप चाहे तो इसको स्टिच कराएं, आप चाहे तो किसी और ब्लाउज के साथ इसे वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट साड़ी है जो कि सिल्क की साड़ी है, ये चुन्नी प्रिंट में साड़ी है। तो ये पूरी साड़ी इस तरह से है, ये साड़ी एक थोड़ी सी डिफरेंट थी, बाकी सारी साड़ी जॉर्जेट की थी। ये एक सिल्क की साड़ी है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल साड़ी है, आई थिंक इसका प्राइस 280 रुपीज़ है। तो इस तरह की ये साड़ी है, इसका आँचल, इसमें आँचल भी दे रखा है। तो आँचल इस तरह से है, पूरा आँचल ऐसे ही है, इसमें रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, ये साड़ी पूरी ऐसी है। तो पूरी साड़ी ऐसी है, इसके साथ ब्लाउज पीस भी अटैच है। तो ब्लाउज पीस मैं दिखा देती हूँ, तो लास्ट में ये ब्लाउज पीस है जो कि अभी तक मैंने कट नहीं किया है। तो आप इसको रेड ब्लाउज के साथ भी बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको भी स्टिच करा सकती हैं। तो ये चुनरी प्रिंट में साड़ी है, तो चुनरी प्रिंट बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगती है, तो आप इस तरह से चुनरी प्रिंट वाली साड़ी बाय कर सकते हैं। और इसका बॉर्डर, इस साड़ी का जो बॉर्डर है वो रेड कलर में है और इसमें जो प्रिंट हो रखा है वो गोल्डन कलर में प्रिंट हो रखा है, व्हाइट कलर में प्रिंट हो रखा है। ये दोनों साइड ही इस तरह के प्रिंट हैं जो कि हाथी और शहनाई बजा रहे हैं, तो कुछ इस तरह का प्रिंट है, काफ़ी ट्रेडिशनल लुक देता है। तो ये चुनरी प्रिंट की साड़ी है, तो चुनरी प्रिंट वाली साड़ी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है, सब पे ही अच्छी लगती है चुनरी प्रिंट। अगर आप न्यू ब्राइड हैं तो भी आप इस साड़ी को बहुत ईजिली कैरी कर सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। मुझे पर्सनली चुनरी वाली साड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारी साड़ियों के अकॉर्डिंग बस थोड़ी सी चिपक के बॉडी से नहीं बैठ रही है, थोड़ी सी पुली पुली है बस थोड़ी सी, लेकिन प्राइस वाइज ये साड़ी काफ़ी अच्छी है। इतने कम प्राइस में अगर आपको ऐसी साड़ी मिल रही है तो डेफिनेटली बाय कर सकती हैं। तो ये पूरी साड़ी इस तरह से है और इसमें इसका प्लेन ब्लाउज दे रखा है। तो ये
साड़ी कलर कॉम्बिनेशन की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ये लास्ट साड़ी थी। तो इतनी सारी साड़ियाँ मैंने स्नैपडील से बाय किए थे, तो आपको कोई भी साड़ी पसंद आती है तो साड़ी का बाय लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके बाय कर सकते हैं। प्राइस वाइज साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरा कूपन कोड जो कि है YouTube, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपके फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।